केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने अपने दौरे के दूसरे दिन मुसाफिर खान ब्लॉक के पालपुर गांव स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में महिला साक्षरता को आगे बढ़ाने और बालिकाओं को सशक्त बनाने के लिए बोइंग साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। अमेठी में 60 बोइंग रूम, 2 रीड लाइब्रेरी और बोइंग एसटीईएम लैब स्थापित करके साक्षरता अभियान को स्मृति ईरानी ने विस्तार दिया। इनमें से 30 लाइब्रेरी और 3 एसटीईएम लैब अमेठी के बच्चों को समर्पित किया गया। ये पुस्तकालय आधुनिक सुविधाओं और संसाधनों से सुसज्जित है, जिनमें किताबें पढ़ने की मेज, खुली बुक सेल्फ, डिस्प्ले यूनिट और अन्य शैक्षिक सामग्रियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम न केवल हमारी बालिकाओं और महिलाओं के लिए शिक्षा सुलभ और रोजगार को समावेशी बनाते हैं, बल्कि प्रत्येक महिला को परिवार, समुदाय और देश में निर्णय लेने का केंद्र बनने के लिए सशक्त बनाते हैं। कि तुम तो 1.25 लाख की बात करते हो, मैं तो कहती हूँ हर घर में कमल खिलेगा, क्योंकि ये कमल इसलिए खिल रहा है ताकि लक्ष्मी जी हर घर आए और हम विकास का काम करें। इसलिए आज इस सड़क के लिए तो आपको अभिनंदन, लेकिन जैसे आप और हरकेश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, यूं ही खड़े रहे, आगे बढ़ते रहे, जनता की सेवा करते रहे। अगर मुझे कोई सौगात देनी है तो वही सौगात मुझे चाहिए कि सदैव जनता की सेवा में उपस्थित हो, सर झुका के बड़ों से मिलो, छोटों को झुककर स्नेह करो, महिला को झुककर प्रणाम करो। दीदी के नाते मेरे लिए यही तुम्हारा सबसे बड़ा गिफ्ट है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सौगात है।